हेलो दोस्तों, तो चले आइए आप लोगों को हम आज क्लास जो है आपका आगे घाताओं को करने पर आधारित प्रश्न है और उसी से हम लोग आज सिलेबस को क्लियर करेंगे, जिसमें कि कुछ आपका थ्योरिकल होगा और उसके साथ साथ फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आज हल करेंगे साथ में मिल करके। तो आइए बिना देरी किए हम आज आप लोगों के सामने घातांक एवं करनी से कुछ बात करते हैं और आप सभी तमाम हमारे सहपाठीगण जुड़ जाएं जल्द से जल्द और जितना हो था संभव अपने सहपाठीगण दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर कर दें और इन्हें आप जितना हो लास्ट तक देखें और जो भी समस्या समाधान इसमें कुछ प्रॉब्लम कहीं हो, कुछ सवाल में आपको हॉल या डाउट हो या प्रश्न समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत या SMS करके दें या तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम घातांक अर्थात इंडिसेस के बारे में कुछ जानते हैं। घातांक की चर्चा जो हम आप लोग लिखे हैं, घातांक अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी किसी संख्या पर एक पावर होता है, वह भी एक पावर का ही रूप है, अर्थात घात का ही रूप, दूसरा रूप घातांक धारण करते हैं हम लोग, तो एक बटे का रूप धारण करता है वो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, घातांक कह देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग घातांक से आधारित कुछ प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जैसे मैं किसी संख्या का घातांक यानी किसी संख्या पर कोई भी संख्या कोई वास्तविक संख्या जैसे कहा जाए कि a है, ज़्यादा परिभाषा को ना लेते हुए a है और a पर पावर जैसे m है, फिर और a है और इस पर पावर n है, या और भी है जैसे मैं इस पर पावर जैसे कहने करता है p है, तो इसका अर्थ है कि हम इसको मान कर के आ जाए तो ध्यान दीजिएगा इसमें दो चीज़ आएगा। क्या आएगा कि बेस, इसका बेस क्या है और घात क्या है, अर्थात घातांक पर ध्यान दीजिएगा। इसका बेस अगर सेम होता है तभी हम इस प्रकार से गुना के रूप में होने पर हम पावर को जोड़ते हैं, अगर बेस समान होता है तो हम क्या करते हैं गुना में पावर को हम जोड़ते हैं। और यदि यहाँ पे भाग होता और बेस समान होता और घात इसका जो घातांक रूप है वह असमान होता है तो हम क्या करते हैं घटाव करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं इसमें माइनस, अर्थात इसे हम जान रहे हैं आप लोग भी जान रहे हैं, या इसे करें आप से इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे m बाय n के भी रूप में लिखते हैं, इसको हम माइनस के रूप दर्शाया गया है। तो चलिए इससे हमको लेना देना नहीं था, जानना था ये। और भी कुछ क्वेश्चन जैसे में कि आपको आ गया m पर पावर है m और इस पर भी पावर है n, तो इसको क्या किया जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा ये पावर जो है इसका गुना और उदाहरण करेगा, अर्थात m गुना n को धारण करेगा, m गुना n को धारण करेगा। और भी कुछ आएगा आपको जैसे में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बच्चे। आइए हमारे साथ पार्टीगन आप देखिए, जैसे a पर पावर m है माइनस में दे दे, तो ये माइनस जब दिया जाएगा तो इसका मान क्या होगा, तो ये मान जो होंगे आपका हमेशा ऋणात्मक मान होगा, अर्थात कहने का अर्थ है बटे का उदाहरण करेगा, ध्यान दो वन बाय ए पर पावर एम अगर देंगे तो ये मान सही है, या तो आप इस पूरे पर कहने का अर्थ है जो भी संख्या जो भी अंक आए, यानी आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी इसी से अगर थोड़ा सा और लिटरेट आ जाऊं, जैसे मैं दे दूं a बाय b पर पावर यहाँ पर करनी है मेरा माइनस m, तो इसे हम कहने करते हैं विपरीत दिशा में होना पड़ेगा, अर्थात b बाय a को रूप धारण करके हम m डाल सकते हैं, मतलब कहने का ऋणात्मक घातांक को धनात्मक रूप में लाना,
जैसे मैं अब और आइए कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे मैं कुछ लीजिए कोई संख्या लीजिए कुछ गुना रूप में धारण कर रहा है, जैसे मैं a बाय b पर पावर m है, फिर यहाँ पर गुना है a बाय b और यहाँ पर भी पावर n है, तो इसके लिए क्या होगा? तो आप सामने में देख सकते हैं कि बेस क्या है, मेरा समान है और m में क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। अगर यही यहाँ पर माइनस होता तो वहाँ पर एक कहने का भाग होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और भी थोड़ा सा आइए कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं सेवन पे किसी भी संख्या कोई भी संख्या लीजिए एक्स, इस पर अगर पावर जीरो होता है तो इसका मान क्या होता है? हमेशा वन होता है। होता कैसे है सर, ये जानना है, होने का कारण वजह, तो थोड़ा सा वजह को जान लिया जाए, हम लोग थोड़ा वजह जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स को हम कहने का अर्थ है वन माइनस वन लिख सकता हूँ, जीरो होगा क्योंकि एक्स पर पावर वन माइनस वन जीरो होगा। तो आप माइनस के रूप में आप किस तरह लिखते हैं? भाग के रूप में लिखते हैं, अर्थात क्या लिखते हैं? भाग के रूप में लिखते हैं। और इसी भाग को आप अगर बदलते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स बटे एक्स, अर्थात आप खिलाएंगे तो कितना आएगा? वन आएगा। तो इसीलिए इसका मान क्या होता है? वन आता है। एक्स मेरा कहने का तो कोई भी संख्या है, संसार की जितनी भी संख्याएं हैं सभी पर अगर पावर जीरो हो, तो किसी भी संख्या पर अगर जीरो पावर हो उसका मान केवल वन ही होगा। जितना भी संख्या हजारों करोड़ों अरबों खरबों, या कहने का अर्थ है एक हजार पर भी पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक ही होगा, दूसरा कोई मान उसका नहीं होगा। आइए कुछ इस तरह से हम लोग इसमें कुछ चर्चा किए, जो भी होगा प्रश्न के साथ आएंगे हम लोग हल करेंगे, इससे भी कुछ और भी आ सकता है साथ में। अब थोड़ा सा करनी की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा करनी में कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि करनी क्या है सर, ये तो घातांक हुआ कि पावर के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा करनी को हम लेके चलते हैं, यानी सरड पे ध्यान दीजिएगा, करनी करनी आप लोगों को बच्चे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन एक से एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा करने की चर्चा इसलिए कि आप आगे भी कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, कुछ सरलीकरण में बनाइएगा या तो थोड़ा सा बीजगणित में बनाइएगा, तो कई करने का प्रयोग हो जाएगा, कई घातांक का प्रयोग करना पड़ जाएगा, कहीं किसी चीज़ का पावर का प्रयोग आएगा, तो ऐसे परिस्थिति हम थोड़ा सा इसे जान लेना ज़रूरी पड़ता है। जान ये पता है कि आप लोग जानते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर एक बार रिवाइज कर लें और अच्छी बात है। आइए तो थोड़ा सा कुछ देखते हैं, इस पर कुछ चर्चा करते हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका करनी रूप, अर्थात करनी आप लोग जान रहे हैं रूट रूप है, क्योंकि रूट अर्थात वर्ग रूप जो होता है वह करनी होता है, और उसी को हम बोलते हैं जिसका परिपूर्ण वर्ग हम नहीं कर पाते हैं, अर्थात करनी का रूप धारण तैयार करते हैं। आइए जैसे मैं a पर पावर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर करनी के रूप में m है, करनी के रूप में m है और इस पर पावर भी m है, तो ऐसे समय में इसका मान क्या होगा सर? तो अभी आप इसको हल पहले कीजिए। मैं अभी एक बात और करना चाहता हूँ कि अगर किसी संख्या पर करनी का मान x है, इसका अर्थ है ये कि x पर पावर 1/2 है, अर्थात क्योंकि यहाँ पर हाफ अर्थात टू यहाँ छुपा हुआ है, अर्थात आप कहिएगा तो इसे मैं मिटाता हूँ पहले मैं नॉर्मल ये जानना चाहता हूँ कि करनी पर यहाँ पर m है और यहाँ पर x है, इसका अर्थ है कि x पर पावर 1/m है, क्या है? m है। और इसी से आप आगे चलिए तो कहने का अर्थ है कि करनी पर करना है m और आपका इसके बेस रूप जो है आपका वर्ग रूप यानी रूट के अंदर रूट रूप क्या है? x है और इसमें पूरी पर ब्रैकेट पावर है m, पावर है m, तो इसका मान क्या होगा सर? तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये m अर्थात ये पावर स्क्वायर, इसके लिए पहले इसको तोड़ लीजिए, आप इसके अंदर प्लग भाग को तोड़िए, x पर पावर 1/m है, फिर इस पर आपका जो है मान वो घात दीजिए और इसको अब हल कीजिए। तो इसको जब हल करते हैं तो देखिए ये गुणा रूप होता है,
ये क्या है, ये आपका गुना रूप है करनी के अंतर्गत, ये घातांक के अंदर दिए गुना रूप कर दिए तो ये एम एम कट जाता है, अर्थात इसका पावर क्या होता है केवल एक्स पावर वन अर्थात एक्स ही होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न अगर आ जाए, आपको एम करनी के रूप अंतर आएगा और एक्स पर यहाँ पर अगर माइन एम एम दिया जाए, अन्य क्वेश्चन यानी कहने घात कुछ अलग हो जाए, सेम ना हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो करने का अर्थ किया कि एन का मान अर्थात ऊपर हो रहा है गुना आप देख रहे हैं, अर्थात इसे हम कहा जाता है एन बाय एम भी कह सकते हैं, एन बाय एम। या तो आप लोग इस तरह से अच्छी तरह जान रहे हैं, ये करने के अंतर्गत एम ही रहेंगे, करने के अंतर्गत एम ही रहेंगे और एक्स के पावर में आपका एन जुट जाता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैं और भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैं दीजिए एम पावर दिया है और यहाँ पर दिया है ए बाय बी, तो इसका अर्थ है कि केवल केवल ये ए के लिए नहीं है, या तो केवल ये बी के लिए नहीं, दोनों के मान के लिए, अंश और हर ये दोनों मान के लिए हैं, ये दोनों के लिए हैं, क्या है ये दोनों के लिए हैं, अर्थात कहा जाता है कि ए बाय बी पर पावर अर्थात अगर इसको हम घातांक रूप में बदलते हैं तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और भी आगे और एक दो क्वेश्चन इस तरह से हम चेंज करने के लिए कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। एम पर एम करनी रूप है और ए बी है एक साथ, इसको क्या है तो ए के लिए भी और बी के लिए भी, अर्थात हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कुछ था भाव कि कहने का अर्थ है कुछ प्रश्न इसको तो हम देखें, इसमें यदि आपको बेस चेंज दे दाए, कहने का अर्थ बेस असमान हो और घात समान हो, तब इस परिस्थिति में कैसे बनाइएगा, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा घातांक का थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं। छूट गया बोले तो भी कुछ थोड़ा सा नॉर्मली दे रहा हूँ, कुछ अब माइंड में आ रहा है कुछ और बता दिया जाए, तो थोड़ा देखिए। जैसे बेस ओ समान है, मेरा बेस ओ समान है और इसका पावर समान है, पावर क्या है समान है, ऐसे इस प्रश्नों को हम क्या करेंगे, तो पावर आपका सेम रहेगा एम ही रहेगा और ये इसका क्या होगा गुना हो जाएगा। और यदि इसी में आपका रहेगा कि बेस और भाग रूप हैं तो इसको हम क्या करेंगे, तो क्या होगा केवल भाग लग जाएगा पावर वही रहेगा अर्थात वन बाई बी हो जाएगा, पावर एम ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा था अर्थात आठवां और नवां थोड़ा सा दिए कि इस तरह से बेस अर्थात आप जान रहे हैं ये बेस रूप है और ये घात रूप है अर्थात करनी रूप धारण कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा। आइए कुछ क्वेश्चन जब आएंगे तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, और इसमें थोड़ा सा अगर देखना चाहते हैं तो आगे क्वेश्चन कुछ, जैसे मैं कहने करता एम करनी फिर इसमें दे दिए एन एन और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं जैसे ए, तो ये क्या है ये क्या है, तो दोनों के लिए करनी का रूप है अर्थात यहाँ कहा जाता है करनी दोनों हो जाएंगे एम एन करनी हो जाएगा ए, यानी एम एन दोनों आ जाएगा करनी के अंतर्गत और ए आपका रूट के अंतर्गत चला आएगा। तो चलिए इस तरह से होंगे, जब प्रश्न पर चलते हैं थोड़ा ज़्यादा इस पर चर्चा ना करके हम थोड़ा प्रश्न को हल करेंगे सॉल्यूशन करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। आइए तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे और इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, जो भी प्रॉब्लम इसमें या कोने सवाल प्रश्न फंसा होगा तो शायद सॉल्यूशन हो जाएगा, तो चलते हैं कुछ प्रश्नों पे जिससे कि आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डार्क नहीं लिखा रहा है इसलिए थोड़ा सा पेन डाल लेता हूँ।
तो आइए करनी और घातांक पर चलते हैं कुछ प्रश्न, जिससे कि आज आपका समस्या का समाधान करते हैं। आज प्रश्नों के साथ पहले क्या कहा हूँ बच्चे, किसी को अगर समस्या होता है जैसे आप नहीं उतार पाएँ तो कोशिश कीजिएगा कि आप रोक करके आप उतार लें, अर्थात वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। आइए हम आगे कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। अब प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है करनी के अंदर रूट थ्री है और इसके साथ देखिएगा 32 पर पावर है 3/5 फिर है गुना 243 और इस पर पावर है -3/5, अर्थात कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। चलिए इसको कल सॉल्यूशन करना पड़ा। यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ भी एक बड़ी ब्रैकेट है, इसके अंदर पहले क्रिया करना होगा, करनी को छोड़ दिया जाए। पहले हम इस करनी से छोड़ें, पहले हमको क्या करना है, इसके अंदर गुना भाग कैलकुलेशन करना है। ऐसा प्रश्न है, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन को छोड़ो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आइए तो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं जितना जल्द हो। 32 को अगर आप हल करते हैं तो शायद आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस पर पावर 5 होगा। कितना पावर होगा? 5 होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अर्थात पावर 5 आप गुना कर सकते हैं। इसके बाद इसका करने का उपाय, इसके अंदर कितना पावर घात रूप में है तो हम रख दिए, और फिर इसको हल कीजिए तो 243 को अगर किया जाए हल तो शायद इसको कितना बार होगा तो थोड़ा देख लेता हूँ, शायद 3 से कीजिएगा तो 5 बार शायद होगा, ये भी 5 बार होगा क्योंकि 9×81 और गुना 3, ओके तो ठीक है यही होगा, 5 बार होगा। तो 3/5 इसको भी हल किया जाए, क्योंकि माइनस का करनी रूप बाद में हल करेंगे, पहले इसको हम हल कर रहे हैं। आइए बच्चे, चलो 5 क्या कट रहा है आप देख रहे हैं क्लियरली, और 2/5 कितना आया 3 और गुना यहाँ 3/5 गया -3। अब देखिए बेस असमान है, घात भी माइनस प्लस में असमान है, लेकिन अगर हम इसे मान को रखा जाए तो रख सकते हैं, आइए पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बेस को समान करते हैं, जैसे इसको हम बेस को समान करेंगे 1/3 दे देंगे, इसका पावर क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी पावर जब सेम हुआ तो बेस और समान है तो बेस का क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो बेस का हम गुना करते हैं तो 2 × 1/3 और इसका बेस क्या आ गया, 3 ही आ गया। आइए इसको हल कीजिए तो इसका 2/3 हो गया और पावर इसका 3 है, और इसको तोड़िए तो करनी को 1/3, तो ये भी कट करके तैयार, अर्थात आपका मान कितना हो जाएगा 2/3, इसका आंसर यही होंगे। शायद ऑप्शन में है आपका कम, तो ये ऑप्शन है 2/3 बी आंसर, अतः इसका ऑप्शन होगा बी आपका आंसर होगा। आइए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट, आइए दूसरे प्रश्न पे है क्या आपका, थोड़ा सा आइए कुछ चर्चा इसका पहले भी हो गया था वर्ग के रूप में और वर्गमूल के रूप में। तो दूसरा क्वेश्चन है x/4 है पूरे करनी रूट के अंदर, फिर यहाँ पर मंजिली ब्रैकेट दिया गया है और इसके अंदर फिर रूट दिया गया है, रूट के अंतर्गत है x/4, फिर रूट इसकी इसी के अंदर रूट दिया गया है और फिर दिया गया x/4 और उसके बाद ये मंजिली ब्रैकेट, इसका पहले इसको हल करेंगे, पहले इसे हल किया जाए तभी इसके बारे में कुछ चर्चा। तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, करनी के अंतर्गत डाला गया है तो उसी तरह से हल करेंगे। चलिए ये तो पहले रहने देता हूँ और इसको भी हम पहले रहने देता हूँ, हल करना है इसे
तो अब आप देख रहे हैं कि चार पावर है और यहाँ पर घात इसका टू है, इसका अर्थ है कि स्क्वायर बचेगा, अर्थात दो एक्स बचेगा, एक्स गुना एक्स बचेगा, तो मैं उसका स्क्वायर दिया। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी कहने का अर्थ है कि ये आपका इन दोनों को जोड़ा जाए तो छः पावर होगा और यहाँ पर करनी ये रूप है। अब इसे हल किया जाए तो मेरे ख्याल से इसका मान आ करके तैयार होगा एक्स पावर थ्री, क्योंकि एक्स को सिक्स बार गुना और उसका जोड़ा दो दो होगा तो थ्री थ्री आएगा। अब फिर अब इसे किया जाए तो मेरे ख्याल से इसका मान आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि फोर और तीन सात, तो घात सात आया इसका। अब इस करनी को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, सात पावर वन बाई टू, इसको पूरी तरह से हल किया जाए तो एक्स पर पावर सेवन बाई टू, तो ऑप्शन यही होगा एक्स पर पावर सेवन बाई टू, एक्स पर पावर सेवन बाई टू, अर्थात सी नंबर आपका आंसर है, सी नंबर आंसर है आपका। आइए थ्री प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न क्या है, फटाफट चलते हैं। तीसरा प्रश्न पर टू पर पावर एक्स है, प्लस है टू पर पावर एक्स माइनस वन है, फिर बटे में है टू पर पावर एक्स प्लस वन, फिर है माइनस टू पर पावर एक्स, इस तरह से मैं कहता है यदि एक्स का मान, इफ यदि कह रहा है कि प्रश्न कि एक्स का मान शून्य हो तो इसका मान क्या होगा, एक्स का मान शून्य हो तो इसका मान क्या होगा, तो चलो हम रख देते हैं मान शून्य, तो बिना देरी किए हुए शून्य रख रहा हूँ, पावर शून्य रख रहा हूँ, बिना देरी किए हुए पावर शून्य रख रहा हूँ। आइए तो प्रश्नों पे गौर करते हैं, तो हम लोग पहले भी जान रहा हूँ कि अगर किसी पे पावर जीरो होता है उसका मान वन होता है तो ये वन हो जाएगा, और इसके लिए अगर चलता हूँ तो इसको घटाया जाए तो पावर पर करता है माइनस वन रहेगा, अर्थात फिर इस पर आया जाए तो इसका टू रहेगा और इसका मान वन होगा, इसे घटाओ तो शायद नीचे एक बचेगा, और अब ऊपर हमको हल करना है तो वन प्लस ये जैसे घात घात मैंने पहले भी कह दिया था माइनस वन होता है इसका अर्थ वन बाय एक्स, अर्थात इसका मान होगा वन बाय टू, अर्थात इसे हल करना है वन प्लस वन बाय टू को, इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा टू टू आएगा लघुत्तम और टू प्लस वन अर्थात थ्री बाई टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू आ गया। आपका ऑप्शन है इसमें बी, ऑप्शन है बी। चलिए कंप्लीटेड तीन क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, इसे मिटा देते हैं। बनाते रहना है, रिवाइज करते रहना है, नहीं रिवाइज करने के कारण हम लोगों का रनिंग घट जाता है, आइए इसलिए रिवाइज करें। प्रश्न फोर लेकर के चलते हैं, कुछ क्वेश्चन, इक्यासी पे पावर है आपका सिक्स, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट और उस पर पावर है वन बाय चौबीस का मान क्या होगा, आइए पहले हम हल इसे करते हैं, इसका हल करते हैं, इस पर चार होता है आप लोग जान रहे हैं और उसमें पावर खुद सिक्स है, चलिए वन बाय चौबीस, अगर इसे हल किया जाए तो इसका गुना किया जाए तो चौबीस हुआ और पहले से वन बाय चौबीस, चौबीस चौबीस ख़त्म, अर्थात मान इसका क्या आया, थ्री आंसर, थ्री आया, अर्थात आपका ऑप्शन इसमें कौन है, डी, इसका ऑप्शन है डी। ओके आइए फाइव, फाइव पे चलते हैं, टू पर पावर देखिए कितना है, थ्री है, फिर टू है और फिर थ्री है, पावर 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 एक दूसरे का गुना होगा और उसके बाद है भागा टू पर पावर थ्री, ब्रैकेट बंद है, फिर पावर है टू और पूरे ब्रैकेट बंद पावर है थ्री, आइए गुना है सेम है प्रोसेस और इसका मान तो ऐसे सीधा क्लियर दिख रहा है कि वन होगा, आइए तो इसको गुना करें,
दो चार एक आने का चार दो छः छः तिया अठारह हो जाएगा। और इसका भी देखिए छः छः तिया अठारह होगा, तो दोनों का अठारह इसका अर्थात आंसर हो जाएगा वन, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं सेम सेम अर्थात घट जाने पर जीरो यानी जीरो मान वन, तो इसका ऑप्शन ए। आइए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टू पर पावर है एक्स माइनस वन इंटू है थ्री टू एक्स प्लस वन, फिर है फाइव एक्स प्लस वाई, फिर सिक्स वाई पल माइनस टू, बटे है थ्री वाई सिक्स एक्स प्लस वन वाई टेन प्लस टू, और ये सब गुना के रूप में है, याद रहे कि गुना रूप में है, नहीं दिखाया है लेकिन आपको जानना है कि गुना रूप में है। फिर है पंद्रह पर पावर है एक्स माइनस वन। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं और शायद ये हल हो जाएगा यथासंभव। प्रश्न को नॉर्मल कर देता हूँ। ये टूट रहा है तो तोड़ देंगे, ये टूट रहा है तोड़ देंगे। चलिए चलिए इसे आप किस रूप से लिख सकते हैं। टू पर पावर एक्स है और ये माइनस जैसे आया इसका अर्थ क्या है, भाग टू पर पावर वन ये तो है, फिर गुना है थ्री पर पावर टू एक्स है और फिर मतलब ये गुना रूप में है थ्री पर पावर वन, फिर प्लस फाइव है फाइव एक्स गुना है फाइव वाई, फिर है यहाँ देखिएगा सिक्स है, तो सिक्स तो डायरेक्ट हम रख दें तो कहने करते इसको हम टू गुना थ्री यानी टू गुना थ्री कर सकते हैं और वाई माइनस टू कर सकते हैं, तो यही चीज पे हम रखें। आइए क्योंकि पूरे प्रश्न को तोड़ना पड़ेगा जिससे कि अपने खा जाएगा ये थ्री वाई, ठीक है ये टूटा हुआ है सिक्स, इसको तोड़ना है टू गुना थ्री के रूप में तभी इसको लेंगे, फिर इसको भी तोड़ना है टू गुना फाइव के रूप में तब इसे लेंगे, और पंद्रह को थ्री गुना फाइव के रूप में लेंगे तब इसे तोड़ेंगे। आइए तो अब ऊपर तो टूटा हुआ है टू एक्स, टू एक्स भागा गुना थ्री टू एक्स गुना थ्री वन गुना फाइव एक्स गुना पावर ध्यान दीजिएगा, और टू पर पावर अब यहाँ पे ये पावर पूरे होता है क्योंकि दोनों के लिए होता है, आप लोग एक बार हल करके इधर दिखा चुका हूँ, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे कि यहाँ पर जैसे माइनस है तो टू पर पावर ये हो जाएगा और फिर थ्री पर वाई पावर होगा और भाग होगा थ्री पर माइनस टू, इस तरह से इस पर आइएगा थ्री वाई गुना टू पर एक्स पावर होगा गुना टू होगा गुना थ्री पर पावर एक्स होगा फिर गुना थ्री होगा, फिर यहाँ गुना टू पर पावर वाई होगा और गुना टू पावर टू होगा, फिर फाइव पर पावर वाई होगा और गुना फाइव पावर टू होगा, अब थ्री पर इस पर आइए तो थ्री पर पावर एक्स होगा और गुना थ्री होगा भाई भाग थ्री होगा, और फिर यहाँ पे आइएगा पाँच पे तो पाँच पर पावर एक्स होगा और भागा पाँच होगा पाँच पावर एक, समझ लीजिए। तो चलिए कौन कौन देखिए खा रहा है ख़त्म होने वाला है इसमें कौन कौन घट रहा है वो देखिए, तो शायद दिख रहा होगा आपको थ्री वाई जो थ्री पर पावर वाई है ये जा रहा है ये घट गया,
और भी देखिएगा कि 2 पर पावर एक्स है, ये कहीं होगा शायद, वो जा रहा है। और फिर देखिए 3 पर पावर 2 एक्स है, अगर कहीं है तो देखिए, हाँ शायद ये दोनों जुड़ने पर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ने पर हो जाएगा तो घट जाएगा, अर्थात ये कट जाएगा। आइए 2 पर पावर वा है और यहाँ भी शायद वा है, ये कट जाएगा। फिर आइएगा 5 पर पावर वा है तो ये भी घट जाएगा, और 5 पावर एक्स है, यहाँ पर 5 पावर एक्स कहीं हैं तो हैं, देख लीजिए। अब ऊपर में क्या क्या बचा वो देखिए, ये भागा में बचा 2, 3 गुना में है, फिर भागा में 2 है, फिर भागा में है, अर्थात वो सब नीचे आएगा। और इधर देखिए क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, और 3 3, तो इसको खिला देता हूँ, ये भी कट रहा है तो इसको काय रखूँ, और ऐसे तो ये भाग रूप हैं, ये कटेगा, लेकिन और भी नीचे होता तो चलिए। आइए अब मैं देख रहा हूँ कि आप बचा यहाँ 1/2 गुना 1/2 पर पावर, तो 2 2 4 होगा, 2 2 4 होगा, गुना 1/3 9, ये हो गया। और नीचे क्या है, 2 गुना 2 गुना फिर पावर 2, तो 2 2 4 होगा, और फिर 5 पर भी पावर है 2, अर्थात 25, उसके बाद है पावर 1/3 और भाग है 1/5, तो ये 5 5 तो खा गया, 5 बचा, और ये 3 3 भी एक दूसरे से खाया, तो 3 3 9। अब जो शेष बचा उसका क्रिया होगा, चलिए इसका अगर हल किया जाए, यहाँ पर 1/8 3 24, और यहाँ पर ये सब का सब नीचे है तो इसे भी भाग के रूप में रहेगा नीचे, तो यहाँ हो गया 20 2 40, अर्थात गुना किया जाए तो देखता हूँ ये आंसर क्या है। गुना किया जाए तो 0 6 9, अर्थात 1/960, यानी कहने का थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग था, सवाल इस तरह से बनेगा, इसका आंसर आया आपका ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए है आंसर आएगा, कहीं अगर मिस नहीं कीजिएगा इस पर तो आंसर आएगा, कहीं थोड़ा डाउट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो आंसर आने में डाउट होता है। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे प्रश्नों पे, आगे प्रश्नों पर आते हैं, 7 क्वेश्चन पे, 7 छोटा सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 7 पे, थोड़ा सा देखिए, ये भी रूट के अंतर्गत है, x 3/y 7/x+1== रूप में है 343/27। तो इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, किसका, x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम x का मान ज्ञात करेंगे, पहले तुम इस रूप में इसको लाओ तो बन जाएगा, तो पहले आपको देखना है कि ये शायद कट रहा है किसी से, देखो तो 3 से या किसी से, अगर नहीं खाता है तब तो उसके लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि 27 है वहाँ पर 9 होने की संभावना, और 33 7 7 होने की संभावना वहाँ हो रही है, यानी कहने का अर्थ है इससे नहीं होगा, तो रूट का उल्टा होता है स्क्वायर, अगर उस पर डालते हैं स्क्वायर तो भी प्रॉब्लम, तो इसलिए हम क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट ढूंढ लेते हैं, पहले 7 गुना 7, यानी कहने करते हैं 7 से खाएगा वो, और ये 9 से, 3 गुना 3 गुना 3, अर्थात 3 पर पावर होगा इस पर, और उस पर चलिए देख लेता हूँ, पहले जो हो रहा है पहले उसको करो, जो हो रहा है पहले उसे करो, बाद में उसका निर्णय, 7 गुना 7 3 बार कीजिएगा तो हो जाएगा, और इसको 3 गुना 3 3 बार कीजिएगा तो 27 होगा, अर्थात इस बार पावर मेरा हो रहा है 3, क्या हो रहा है पावर 3,
अब ध्यान दीजिए, प्रश्न सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर 3/7 है और वहाँ पर 7/3 है, अर्थात इसे हम चेंज, अर्थात दोनों को नीचे ला लूँ, बटे में ला लूँ, तो शायद इसे हल कर सकते हैं, या इसको चेंज कर दूँ कि प्लस में है तो माइनस में, या इसका रूट उधर डाल दूँ तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सेम हो रहा है। तो चलिए कंडीशन में इसे हम तोड़ते हैं, या तो कह सकता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे नहीं किया जाता और हौला बना देता हूँ, 3/7 पर पावर एक्स माइनस कितना है, 1 है, करने का उल्टा रूट होता है उधर, तो मैं कर देता हूँ 7, यहाँ दीजिएगा चेंज में कर रहा हूँ इसको 3/7, और मैंने यहाँ पर -3 दिया, और ये करने का उल्टा स्क्वायर होता है, स्क्वायर दे दिया, आइए 3/7 एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखिए तो अब समय हुआ ना, बेस समान हो रहा है और यहाँ पर -6 हो रहा है, बेस समान हुआ, जब बेस समान होता है तो बेस के लिए वैल्यू हटा जाता है और हम सिर्फ केवल घात से चलते हैं, तो घास एक्स प्लस 1 -6, और इधर से अगर चला जाए तो -6 माइनस अर्थात -7 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन आपका है, इसका ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए है। आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले से मिटा करके। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना, कोई परेशानी नहीं। आइए थोड़ा एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा कैलकुलेशन के लिए, यही इसी कैलकुलेशन को दूर करना है, जहाँ भी त्रुटियाँ होता है, परेशानियाँ होता है, उससे दूर करना है, इसलिए साथ साथ करते हैं, बनाना है, चलना है, क्योंकि साथ साथ बनाने से रनिंग बनता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को जानता हूँ आप लोग आलसी बन गए हैं, बहुत कम बनाना चाहते हैं और रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं यदि दिया हुआ है, यदि अंडर रूट है एक्स वाई हुआ है, फिर प्लस इसके अंदर दे दिया गया है, फिर दे दिया है वाई बाय एक्स, फिर बराबर दिया है 10/3, तो इसमें तथा यहाँ पे एक और बात है, तथा दिया है एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है 10, तो कहता है कि यहाँ पे एक्स बराबर एक्स गुना वाई का मान क्या होगा, ये निकालना है। वहाँ पे वो दिया है एक्स प्लस वाई दिया है और बराबर ऐसा दिया है, और यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो चलिए दोनों तो सेम नहीं है, और जोड़ के रूप में अगर इसको हल किया जाए, अलग अलग लिया जाए, तो सोचने के लिए कैलकुलेशन आइए, चलिए बच्चों इसे हल करने की कोशिश करते हैं, दोनों प्रश्नों को जब हल करेंगे तभी कुछ आने की संभावना है। इन दोनों का भी जोड़ के आ जाए तो x गुना वाई होगा, और इसको अगर आप हल करेंगे पूरे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि इसके अंदर रूट ले लिया ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लॉन्ग रूट टर्म ले लेगा ये, अगर ऐसे करता हो तो इसका अमाउंट 10 आता है, क्योंकि दिया गया है 10, तो इसके अंदर कंडे के रूट में 3, तो इसका उल्टा, चलो ठीक है, इसका अमाउंट 10 है, कटाते हैं 1/√1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, और स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, तो 3 × 9, इसका ऑप्शन है
ऑप्शन होगा इसका, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना था कि यहाँ पर होल स्क्वायर आने की संभावना था, इसीलिए इसका रूट जो हटाए थे, इसका रूट हम हटाए थे क्योंकि होल स्क्वायर पर रूट नहीं रहता है, इसलिए हटा दिए थे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर रूट रहेगा तो ये रूट एक्स स्क्वायर कट जाता है, इसलिए सिर्फ एक्स प्लस वाई रहा था। एट हो गया, आते हैं नाइन पे। नाइन में क्या है, समीकरण है थ्री पावर प्लस फाइव बराबर सत्ताईस टू एक्स माइनस फाइव, में एक्स का मान इसमें भी निकालना है एक्स ए का मान। तो देखिए सेम घात को बेस को बनाइए, पहले तीन पर पावर यहाँ देना है थ्री टू एक्स माइनस फाइव, अब सिर्फ क्रिया करना है थ्री पर पावर एक्स प्लस फाइव, करनी रूप है हल कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी सॉल्यूशन होगा। देखिए बेस सेम हो गया, अब सिर्फ खाली आप घात पे चले जाइए और अपना घात को पकड़ लीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं तो माइनस, और इसको उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस, अर्थात यहाँ पर माइनस हो गया फाइव एक्स और उधर हो गया माइनस बीस एक्स, कैलकुलेशन किया जाए तो फोर, माइनस माइनस कटने के बाद फोर, अर्थात आपका ऑप्शन ए। आइए टेन क्वेश्चन कह रहे, यदि टू एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर 320 हो तो फिर कह रहा है एक्स का मान क्या होगा, फिर कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। देखिए यहाँ का रूल जैसा था अब यही रूल यहाँ प्रोसेस होगा, क्योंकि उसके रूट के इसके रूट में हिसाब से। चलिए एक्स पर पावर यहाँ भी ये भाग रूप में दिया जाएगा, यानी कहने का अर्थ है बटे में टू दे सकता हूँ, और प्लस यहाँ पे टू एक्स गुना टू दे सकता हूँ। आइए तो इसको हल कीजिए, कोई मान को ले ले मान लीजिए या तो प्रोग्रेशन कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। भिन्न जोड़ कर देता हूँ, भिन्न जोड़ करने पर टू एक्स प्लस हो जाएगा टू एक्स गुना ये दो दूनी चार, अर्थात गुना हो जाएगा, और फिर ये जो दो था उधर हम गुना करते हैं, अब यहाँ से हम कॉमन इसके लिए क्या ले रहा हूँ, टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो बचता है वन प्लस फोर, और हम 64 में क्या कर रहा हूँ कि आप 5 से भाग दे देता हूँ। आइए तो इससे भाग जब दे देंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 1 2 1 1 बचा कितना, ठीक है 14, तो 2 8, यानी कहने का था टू पावर एक्स और उधर 28 है, तो 28 को यदि आप 2 पर पावर 32 64 दूनी 28, ठीक है तो 2 पर पावर 7 अगर करते हैं तो आप 128 होता है, अर्थात यहाँ 2 बेस सेम हुआ, अर्थात एक्स का मान 7 आया। ठीक है, ऑप्शन आपका है, आपका इसका ऑप्शन है डी। 10 तक आजकल रखते हैं यही सब क्वेश्चन, प्रोग्रेशन के लिए होगा, और भी कोई प्रॉब्लम इसमें आएगा तो आपको छोड़ देंगे सारा क्वेश्चन, कम से कम 32 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में अगर आप सब बना लीजिएगा, कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप हमसे उसका राय ले लीजिएगा, वो क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम पर छोड़ दिया जाएगा।